ये देखिए माइक से सुनाते हैं आपको, ये देखिए इस साउंड से ही आपको पता चलता होगा कि इसमें माइलेज आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। पहले 2001 में पैशन प्लस ये जो बाइक लॉन्च हुई थी, ये 2023 आते आते धीरे धीरे ये बाइक बैठ गई और लोगों ने हाथ जोड़ लिया। वजह क्या था दोस्तों कि कंपनी जो है अपना कस्टमर का ख्याल नहीं रखते हुए बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया, इसकी वजह से ये बाइक बैठ गई। लेकिन एक बार फिर से 2023 में दोस्तों यहाँ पर ये बाइक कंपनी ने अपने पुराने अंदाज में लॉन्च किया है, जिस अंदाज में आप लोग इसको पसंद करते हो। और इस बाइक में क्या क्या बदलाव किया है दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इस शोरूम में यहाँ पर जितना भी बाइक देख रहे दोस्तों, सारा बाइक का जो यहाँ पर प्राइस बताने वाले हैं, ऑन रोड प्राइस बताने वाले, जो कि ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं एक झलक इसका लुक देखिए, काफी जबरदस्त लुक है। और इसका जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राफिक्स यहाँ पर चेंज किया है दोस्तों, और ये बाइक को जो है तीन कलर में लॉन्च किया। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास ब्लैक है और ब्लू ग्राफिक्स के साथ है, लेकिन ग्राफिक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चेंज किया गया है इसका ग्राफिक्स में। और साथ ही साथ जो है फ्रंट से आपको दिखा रहे हैं इसका लुक देखिए, फ्रंट से इसका जो हेडलैम्प है दोस्तों, ये हेडलैम्प हेलोजन है और 3535 का जो है इसका हेडलैम्प है। यहाँ पर हीरो का जो है एक लोगो दिया गया है 3D में, फाइजर वही ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज किया गया, धीरे धीरे आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और इसका जो टायर है दोस्तों, टायर जो है यहाँ पर ट्यूबलेस टायर दिया गया है 80/80/80/18 का, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है 135mm का। और साथ ही साथ इधर आते दोस्तों तो देख पा रहे हैं यहाँ पर FI का लोगो दिया गया है, ये FI इंजन है और इसमें इंजन में थोड़ा सा बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं लोग जो है यहाँ पर इंजन जो पसंद करते हैं दोस्तों, वो खड़ा इंजन नहीं पसंद करते हैं, वो सभी लोग जो है ये फ्लैट इंजन पसंद करते हैं। जो इंजन इस तरह से गिरा हुआ उसी तरह टाइप से यहाँ पर इंजन में दिया गया है। और इंजन का जो कैपेसिटी है दोस्तों, वो इसका 97.2 cc का इसका इंजन है। इसका इंजन का जो है मैक्स पावर है ये 8.2 PS पर 8000 RPM पर है। और इसका जो है NM दोस्तों, इसका न्यूटन मीटर जो है टॉर्क जो है 8.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। और ये FI इंजन है दोस्तों, और ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पर है, और काफ़ी माइलेज वाली बाइक मानी जाती है दोस्तों। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो चेन कवर है, ये पूरी तरह से कवर किया गया है। ये जो है पहले मेटल में आता था, लेकिन यहाँ पर फाइबर दिया गया दोस्तों, फाइबर इसलिए दिया गया, मेटल जो है बहुत जल्दी वहाँ पर जंग लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जंग लगने का आपको कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है इसके लिए। और ये यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया, पहले में ये कटआउट सेंसर नहीं आया करता था, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टैंड में कटआउट सेंसर दिया गया है। और साथ ही साथ ये सब ग्रिपिंग देख पा रहे हैं। और इधर अगर टायर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रही है ड्रम ब्रेक में ये बाइक लॉन्च हुई है। और आगे का हमने बताया कि 80/100/18 है, और पीछे का भी दोस्तों 80/100/18 है और ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है। साइलेंसर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, साइलेंसर में जो है यहाँ पर क्रोम से थोड़ा सा इसको कवर किया गया है, और काफ़ी पतला टाइप में साइलेंसर है, जो कि आप लोग इसको पसंद करते हो दोस्तों। और इस साइड की ग्राफिक्स देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ग्राफिक्स भी काफ़ी यूनिक है। और इधर का भी जो है इंजन आपको दिखा पा रहे हैं, और यहाँ पर कैटलेटिक साइलेंसर दिया गया है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिया गया है इसके वजह से जो है पैर उधर इंजन में ना लगे, गर्म ना हो, ये काफ़ी अच्छी था। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दोस्तों, तो 168mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर सीट की बात करें दोस्तों, तो 790mm का इसका सीट है, जो कि काफ़ी बड़ा है। पहले से यहाँ पर सीट बढ़ा दिया गया है और चौड़ा दिया गया है। और कुशन दोस्तों देख पा रहे हैं, कुशन बहुत ही मतलब एकदम ज़बरदस्त है और बहुत लाभदायक है, बहुत आराम है इसमें, राइडर और पिलियन दोनों के लिए बहुत आराम है। एक साथ आप लोग तीन आदमी बैठ सकते हैं, फैमिली बाइक इसको मान सकते हैं, तो फैमिली के साथ भी आप इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे इसका जो है ग्रेवल भी दिया गया है। और साथ ही साथ अगर इधर आते हैं फ्यूल टैंक की तरफ, तो फ्यूल टैंक में दोस्तों यहाँ पर 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और मीटर आप देख पा रहे हैं जो है, इसका मीटर में थोड़ा सा बदलाव किया गया दोस्तों। यहाँ पर पहले जो है ये पूरे में आता था, लेकिन अभी डिजिटल एंड एनालॉग दोनों मीटर यहाँ पर दिया गया। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ये पावर बटन है, और यहाँ पर जो पहले की तरह है वही सब चीज़ दिया गया है, हाई बिन लो बिन ये सब दिया गया है। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं यहाँ पर मिरर भी जो है हम देख के दिखते हैं, तो मिरर में भी जो है वही चीज़ दिखता है जो पहले का जो मिरर था, वो मिरर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था, और दूर का जो चीज़ है वो छोटा नहीं होता था, लेकिन मिरर को भी वैसे बनाया गया है जो दूर का चीज़ को आपको छोटा नज़र आए और बहुत आसानी से आप बहुत ज़्यादा दूर चीज़ को देख ले। i3 टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है इंटीग्रेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, IBS मान सकते हैं। अगर एक ब्रेक आप लगाते हैं तो दूसरा चक्का का भी ब्रेक लग जाता है, ये सिस्टम इसमें दिया गया, पहले इसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया। और इसकी वजह से ये जो बाइक जो है इस बार
जो है बहुत धुआंधार तरीके से ये बिकने वाली है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बाइक को खरीदने के लिए यहाँ पर कस्टमर लाइन लगाए हुए हैं। ये सारे लोग जो है बाइक, हालांकि बाइक जो है दुमका में दो चार दिन बाद से आया हुआ है, लेकिन फिलहाल से ही अभी से ही कस्टमर लेने के लिए आ गए हैं ये बाइक को। जैसे सुना कि बाइक जो है यहाँ पर दुमका में आई हुई है, काफ़ी भीड़ लगाया गया है दोस्तों यहाँ पर स्पेस का बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर FI का लोगो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। अभी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये इसको खोले, देखिए यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी फर्स्ट एड भी कुछ भी रख सकते हैं, शायद उस साइड भी यही चीज़ को दिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ाया गया दोस्तों, और इंजन जो है इसका बदलाव होने के वजह से जो है इसमें माइलेज दोस्तों अगर बात कर देते हैं इसका माइलेज का, तो इसका माइलेज जो है लगभग जो है 70+ आप 74 का माइलेज इसमें मान सकते हैं दोस्तों। का जो वेट है दोस्तों 109 केजी का इसका वेट है, इसकी वजह से इसमें माइलेज दे सकता है। पहले भी ये बाइक जो है माइलेज देती थी, लेकिन अभी तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर बना दिया गया, इसकी वजह से इसमें माइलेज तो 100% देना है। आपका 70+ माइलेज एकदम मिल जाएगा दोस्तों इस बाइक में। और मीटर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो मीटर आप देख पा रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल में दिया गया है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, आप जो है अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, देख पा रहे हैं ये दिया गया है। और इसका साउंड अभी सुनाते हैं दोस्तों, स्टार्ट कीजिए तो बाइक को, तो इसको स्टार्ट करके अभी आपका इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना रहे, देख पा रहे हैं। तो इधर आते हैं और देख पा रहे हैं, ये देखिए माइक से सुनाते हैं आपको, ये देखिए इस साउंड से ही आपको पता चलता होगा कि इसमें माइलेज आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। पहले भी माइलेज ठीक था, और जब से जो है फ्यूल इंजेक्टर बाइक बनाई गई दोस्तों, तब से जो है हर बाइक में माइलेज बढ़ गया है। कंपनी जो है ये बहुत अच्छा किया। हेलोजन आप देख पा रहे हैं 35-35 का यहाँ पर हेलोजन लैंप मिल जाता है, जैसा लोग पसंद करते थे सेम उसी लुक में यहाँ पर हेलोजन भी दिया गया है। और दोस्तों अगर इसका प्राइस का बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो प्राइस है ये ऑन रोड आपको दुमका में मिल जाएगा 90,300 रुपये में मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है और लोग इसको परचेज कर सकता है। माइलेज के हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छी है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक टाइम जो है ये बाइक बहुत ज़्यादा बिकती थी, लेकिन हमने बताया कि जो है कंपनी ने थोड़ा सा बदलाव किया, लेकिन कंपनी को चाहिए कि जो बाइक बिक रही है कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं उसी पर वो बाइक को लाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके जो ला दिया, धीरे धीरे 2023 तक जो है जो भी पैशन प्लस था वो लोग उसको खरीदना बंद कर दिया, लेकिन फिर से ये बाइक आ गई है, फिर से लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड किया है और लोग जो है यहाँ पर लेने के लिए आए हुए। तो दोस्तों ये बाइक का जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको और कुछ इसमें बताने वाले हैं, और ये सब बाइक का जो है प्राइस हम शायद दूसरे वीडियो में दिखा दें अगर ये वीडियो लंबा ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो कस्टमर आए हुए हैं ये बाइक को परचेज करने दोस्तों, उनसे आपको मिलाते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं सर बालोजोड़ी से। बालोजोड़ी से आए? अच्छा, तो ये बाइक आप मतलब लेने के लिए आए क्या? यस यस यस। क्या इसमें आपको खासियत लगा? ये सर पुराने टाइम से ही गाड़ी सबका फेवरेट बना हुआ है, और अच्छा लग रहा है कि फिर से वही लुक और वही परफॉर्मेंस के साथ ये बाइक लौट के आया हुआ है। मैंने देखा कि दुमका शोरूम में ये आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ एक बाइक। और ओल्ड इज गोल्ड, मतलब घर में आपको इस बाइक को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यस यस सर। तो और कुछ आपको जानकारी चाहिए इस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में जो है इस शोरूम का नंबर दिया गया है, और ये शोरूम जो है दुमका हीरो मोटोकॉर्प दुमका में है, और ये भागलपुर रोड में आपका स्थित है। यहाँ से आपको आकर के ये बाइक परचेज कर सकते हैं। 3 कलर में ये बाइक है, प्राइस हमने बता दिया, और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हमारा फेसबुक पर देखते हो दोस्तों पेज को लाइक कर दिए, फॉलो कर दिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।